माय कलीग मिनिस्टर्स टोल्ड यू। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत से पहले इसमें नए सदस्यों को जगह देने पर बहस शुरू हो गई है। साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसे नाम दिया ब्रिक। एक साल बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसमें शामिल सदस्य देशों में दुनिया की 40% से अधिक आबादी रहती है। इनके पास 26% क्षेत्रफल है और कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका योगदान तकरीबन 30% है, लेकिन फिर भी इसे एक प्रभावी गुट नहीं माना जाता। अब बहस इस बात पर हो रही है कि इस गुट में किस नए देश को शामिल किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बहस शुरू कहां से हुई। इसी साल जून में दक्षिण अफ्रीका ने फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स नामक सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें उन देशों ने भाग लिया था जो इस गुट में शामिल होना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश इस गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे सदस्य देश इसमें नए देशों के लिए इजी एंट्री नहीं चाहते। बीते साल चीन ने कहा था कि इस समूह में नए सदस्यों को जगह देने पर काम शुरू करना चाहिए, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि एक विस्तृत समूह कैसा दिखे इसके लिए मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। इसी तरह का हवाला ब्राजील भी दे रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित इस मुद्दे पर कहते हैं कि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। भारत की आपत्ति को लेकर सऊदी खुश नहीं है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब से भारत का संबंध किस हद तक प्रभावित होता है। ब्राजील और भारत दोनों ही ब्रिक्स के विस्तार को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा कहते हैं कि जिन भी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है वो सभी चीन से करीबी रखते हैं। अगर इस गुट में 6-7 नए देश जुड़ जाते हैं तो वो सभी चीन की ओर झुके रहेंगे और इस गुट का सबसे ताकतवर देश चीन बन जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत ब्रिक्स गुट में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतांत्रिक देश चाहता है, न कि सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे वंशवादी शासन वाले देश। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर एसडी मुनी कहते हैं कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत की चिंताएं रही हैं। अगर इसमें ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों को जगह मिलेगी तो वो कल पाकिस्तान को भी इसमें जगह देने की मांग करेंगे। भारत के सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। क्या उनकी सदस्यता का समर्थन ना करके भारत के उनके साथ रिश्ते प्रभावित होंगे? इस पर प्रोफेसर मुनी कहते हैं कि इससे द्विपक्षीय रिश्ते बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि भारत किसी एक देश को निशाना बनाकर नए सदस्यों को शामिल करने के नियम बनाने को नहीं कहेगा। वहीं जो देश शामिल होना चाहते हैं उनके सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। इंडोनेशिया जैसे देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आसियान गुट से पहले अनुमति लेनी होगी। ब्रिक्स के नए सदस्यों के सवाल को लेकर भारत क्या रुख अपनाएगा, इस पर प्रोफेसर मुनी कहते हैं कि रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका नए सदस्यों को चाहते हैं। अगर ब्राजील भी इसके पक्ष में जाता है तो भारत इसके खिलाफ नहीं जाएगा। भारत अपनी कुछ शर्तों को जरूर रखेगा। इसमें वो रूस और चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों को मानने की शर्त भी रख सकता है।